नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वडक्कम। मैं हूँ ऋचा। डिवाइन विजन आरडी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड बिकॉज यू आर प्रेशियस। ओके, सो मैं हूँ ऋचा, सर्टिफाइड टैरो रीडर, सर्टिफाइड रीकी हीलर। आई एम एक्चुअली ऑल्सो फुल टाइम ब्लॉगर। मेरे दो ब्लॉग्स हैं, एविड रीडर्स पैराडाइज एंड सेकेंड इज द ग्लोबल एंटरटेनमेंट हब। ओके, तो लिटिल बिट दैट वाज अबाउट मी। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? आज का जो टॉपिक ये है कि आपकी नेक्स्ट बातचीत आपकी पर्सन से क्या होगी। सॉरी, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन विद योर पर्सन। ठीक है, आपकी नेक्स्ट बातचीत जब भी होगी आपके पर्सन के साथ तो वो क्या होगी, किस बारे में होगी। ठीक है, अब ये पर्सन आपके फ्रेंड हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, या जो आपके आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपकी लॉन्ग डिस्टेंस कोई रिलेशनशिप हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये रिलेशनशिप के सेंस में है। ठीक है, तो आपके माइंड में जो पर्सन है उसके बारे में ये हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हैं तीन पाइल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज पाइल नंबर वन, दिस गणेश जी, गणेश जी का सिंबल है ये, दिस ब्यूटिफुल गणेश जी सिंबल, गणेश जी नंबर वन। देन वी हैव दिस लाफिंग बुद्धा सिंबल, पाइल नंबर टू। देन वी हैव दिस गणपति बप्पा सिंबल, पाइल नंबर थ्री। ठीक है, तो पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू, पाइल नंबर थ्री, पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू, पाइल नंबर थ्री। तो चलिए, आप जैसे मैं आपको रिचुअल बताती हूँ हमेशा, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड यूनिवर्स से कॉल से खुदा से कही कि आपको सही पाइल की तरफ ले जाए। ओके, तो चलिए हम अब शुरुआत करेंगे। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। पाइल नंबर वन जिन्होंने सेलेक्ट किया था, ये गणेश जी का सिंबल, बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। चलिए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। द एम्परर, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, the sun, तो आपकी जब बातचीत होगी आपके पर्सन से नेक्स्ट टाइम तो वो क्या होगी। देखिए, मैं आपको अलग अलग सिनेरियो बताऊंगी। ठीक है, तो पाइल नंबर वन, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपकी रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर ये आपके एक्स हैं तो वो आपसे कहेंगे कि आप मूव ऑन हो जाइए, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है वर्कआउट, मतलब आप बेटर डिज़र्व करते हो। वो आपको बोलेंगे कि आप बेटर डिज़र्व करते हो एंड दैट यू शुड मूव ऑन। ठीक है, ये हो गया नंबर वन सिनेरियो। नंबर टू सिनेरियो ये हुआ कि वो आपसे ट्रैवल करके मिलने आएंगे, ये आपसे ट्रैवल करके मिलने आएंगे पर्सन, वो आपसे मिल और दे विल आस्क यू आउट। आपके फ्रेंड हैं, लवर हैं, क्रश हैं, कोई भी हैं, तो दे विल आस्क यू आउट। ठीक है, एंड वो आपको बोलेंगे कि हमें आपसे मिलना है, तो आपसे कहीं डिसाइड करते हैं कहाँ मिलना है। कोई सीटेड अरेंजमेंट होगा, कॉफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह कुछ हो सकता है। ठीक है, और ये पर्सन जो है सही टाइम का वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपको बहुत टाइम से स्टॉक कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया देख रहे हैं, और ये आपको मिलने के लिए बुलाएंगे और डे टाइम में मिलने के लिए बुलाएंगे। हो सकता है आपको कहीं नेचर में बाहर भी टाइम स्पेंड करें आपके साथ। ठीक है, और आपके साथ फ्रेंडशिप की नई शुरुआत करेंगे ये पर्सन। ठीक है, फ्रेंडशिप की नई शुरुआत करेंगे ये पर्सन आपके साथ। ठीक है, आपको कहेंगे कि हमें अपने रिश्ते की नई शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं वो तो वो आपके साथ, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हैव चिल्ड्रन विद यू, ये पर्सन आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो ये पर्सन आपसे धीरे 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 इस टॉपिक पे आएंगे आपको बताने के लिए कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं।
तो ये थी पायल नंबर वन की रीडिंग। आपके पर्सन आपसे क्या कहेंगे नेक्स्ट टाइम, आपकी जब बातचीत होगी तो आप क्या बातचीत होगी, और मुझे लगता है कि जो पर्सन है थोड़े से डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, बॉसी है। आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है, कल्चरल गैप हो सकता है, मतलब कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, और ठीक है, ये पर्सन जो है बहुत इस्टेब्लिश है अपने करियर में, ठीक है, जिनके साथ आपकी बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है बातचीत अभी तक, तो आपसे बातचीत करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये थी पाल नंबर वन की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, गॉड ब्लेस यू। ओके चलिए, नाउ विल मूव ऑन टू पाल नंबर टू। बहुत सारे कार्ड आए हैं इस पाइल के लिए, तो आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, जिन्होंने ये सिंबल सेलेक्ट किया था लाफिंग बुद्धा का, ये गोल्डन लीफ होती है फ्रेंड्स, जो आपके करियर के लिए, फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। चलिए पहले हमारे पास है टू ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में, फिर हमारे पास है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में। ये कार्ड मुझे रिवर्स में बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स अपराइट, द स्टार, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग, एस ऑफ कप्स, वाओ। Okay, then we have six of cups, okay, and then we have queen of swords. तो अगर हम zodiac signs की बात करें तो Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, ये signs बहुत dominant हैं, ठीक है, आपके या आपके person के हो सकते हैं। अगर नहीं भी हैं आपके person के या आपके, तो भी it's fine, ठीक है, it's okay. तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहेंगे, ठीक है। पहले तो आपसे शेयर करेंगे कि वो आपके बिना बहुत दुखी थे। अगर वो ऐसा डायरेक्टली नहीं बताएंगे आपके आपके बिना दुखी थे, तो डेफिनेटली तो इतना तो ज़रूर शेयर करेंगे आपसे कि वो दुखी थे, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, बहुत परेशान थे, दुखी थे वो, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन अगर एक्सप्रेसिव हैं, तो वो हो सकते आपको कह भी दें कि वो आपको जो कितना पसंद करते हैं, आपके बिना वो दुखी थे, ठीक है। कहेंगे आपसे कि वो प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, आपसे मिलने के लिए कहेंगे, कांटेक्ट करेंगे आपको, पहले तो पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे मिलने के लिए कहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आपकी कोई बहुत बड़ी विश है जो पूरी होगी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। हो सकता है ये पर्सन का कांटेक्ट करना आपकी विश हो सकती है, इस पर्सन के साथ मिलना आपकी विश हो सकती है, ये पर्सन के साथ शादी करना आपकी विश हो सकती है। तो ये पर्सन जो है आपको किसी सेलिब्रेशन पे, इवेंट, कॉन्सर्ट या किसी चीज़ पे आपको बुलाएंगे, किसी वे मे बी दे विल आस्क यू आउट, ठीक है, आपको कहीं मिलने के लिए बोलेंगे, जो कोई पब्लिक इवेंट हो सकता है, कोई फेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वहाँ पे आपको मिलने के लिए बोलेंगे, ठीक है। या आपको किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाएंगे, आपको किसी सेलिब्रेशन हो रही होगी फ्रेंड्स, कहीं पार्टी वगैरह होगी जहाँ पे वो आपको बुलाएंगे, ठीक है। दिस पर्सन विल फील एक्ट लाइक दे ओन यू फ्रेंड्स, दिस पर्सन ऑलरेडी फील्स लाइक दे पोजेस यू, दे ओन यू, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है, पहले इन्होंने आपको बहुत अवॉइड किया फ्रेंड्स, बहुत अवॉइड किया इन्होंने आपको, बहुत शो ऑफ करते थे बहुत ज़्यादा, अपने कुछ भी, अपना पैसा, अपनी पर्सनैलिटी बहुत शो ऑफ करते थे, और इन्होंने आपको बहुत अवॉइड किया है, और ये पहले कंफ्यूज थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। तो ये आपको वही बताएंगे कि वो बहुत, अब उनको क्लैरिटी मिल चुकी है और अब वो डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा हो सकता है कि वो कुछ आप, ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है फ्रेंड्स, ये पर्सन जब आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, हो सकता है यू विल बी लाइक, दिस पर्सन इज सेइंग दैट आई लव यू, देन यू विल बी लाइक ओ या फाइन, ओके कूल, आप लोग इस तरह से बिहेव करोगे, ठीक है। लेकिन इस पर्सन, ये जो है, दे विल टेल यू दैट दे, यू मैटर टू देम, दे हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट यू, आपकी
दे हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट यू, उनको आपके सपने आ रहे हैं, वो फैंटेसाइज कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। तो ये बातें वैसे कोई बताता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बहुत फ्रैंक हैं एक दूसरे के साथ तो हो सकता है वो आपको बता दें, ठीक है। तो ये आपकी बातचीत होगी पाइल नंबर टू आपके पर्सन के साथ, ठीक है। वो कोई भी हो सकते हैं जो आपके माइंड पर्सन है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके पार्टनर ही हो, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर थ्री की तरफ। सो पाइल नंबर टू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए आप, यहाँ पर हमारे पास ब्यूटीफुल एंजल्स इस किंगडम में, और ये चैनल आपके बिना अधूरा है, आप इस चैनल को खूबसूरत बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस चैनल, ठीक है। एंड चलिए अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर थ्री की तरफ। जिन्होंने ये गणपति बप्पा का सिंबल सेलेक्ट किया था, और गणपति बप्पा और गणपति नमः, सॉरी भूल चूक माफ, ये देखो गणपति बप्पा का सिंबल जिन्होंने सेलेक्ट किया था, क्या बातचीत होगी आपकी आपके पर्सन के साथ। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जनरल रीडिंग्स होती हैं, अगर आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो अच्छी बातें, नहीं करती हैं तो भी अच्छी बात है मतलब तो कोई बात नहीं, आप दूसरी पायल देख सकते हो आप, ठीक है। ओके काफी कार्ड रिवर्स में आए हैं हमारे पास यहाँ पे, सेवन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, किंग ऑफ वॉन्स रिवर्स में, एट ऑफ कप्स अपराइट, नाइट ऑफ वॉन्स रिवर्स में, टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, क्वीन ऑफ वॉन्स रिवर्स में। तो हमारे पास यहाँ पे काउंटर पार्ट्स हैं फ्रेंड्स, द एम्प्रेस रिवर्स में। पहले तो मैं बता दूं कि जो एम्प्रेस का कार्ड अगर रिवर्स में भी आता है तो भी उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं कि वो कैंसिल नहीं होती, नलिफाई नहीं होती हैं, वो वहीं रहती हैं। तो एम्प्रेस कार्ड रिवर्स में इट टॉक्स अबाउट अनमेजर्ड एम्बिशन, अनकंट्रोलेबल डिज़ायर, ठीक है, टू डू समथिंग, टू अचीव समथिंग। तो क्या कहेंगे आपके पर्सन आपसे। फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को पाइल नंबर वन भी देख लेनी चाहिए, इस पाइल को आपके पर्सन आप उन्होंने फैसला कर लिया है आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड। फ्रेंड्स उन्होंने फैसला कर लिया है, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है मैरिड हो फ्रेंड्स, या इनका डिवोर्स चल रहा हो, मैरिड हो, ठीक है। ये प्लेयर की वाइफ भी हो सकती हैं, प्लेयर रहे हों ये पास्ट में। इनको ये आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो वर्च्यूज़ हैं, आपकी जो स्ट्रेंग्स हैं, उनको ये पर्सन नहीं पहचान पा रहे हैं फ्रेंड्स। ये पर्सन की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, इनको अपनी ही नज़रों से चीज़ें दिख रही हैं, ये सच को देखना ही नहीं चाह रहे कि आप कितने अमेजिंग हो, ठीक है। ये पर्सन जो है बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे, और थोड़ा बहुत ही पेशेंस दिखा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके, और कुछ इनको एक्शन लेने का मन नहीं है। आपको एज एन एम्प्रेस देखते हैं, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको हो सकता है कि या तो आप अपनी पावर को अब्यूज़ कर रहे हो, ऐसा इनको लगता है, और या तो फिर आप में कुछ सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हैं। तो बहुत ही गलत फहमी है इस इंसान को, बहुत ज़्यादा गलत फहमी में जी रहे हैं ये इंसान, ठीक है। मुझे पता नहीं, बहुत अजीब लग रहा है इस तरह की पायल आई है। ये पर्सन आपसे कहेंगे कि प्लीज़ आप मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ठीक है। ये आपसे ऐसा कहेंगे, ठीक है, कि आप प्लीज़ मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि हम लोग कंपैटिबल नहीं है, एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। बहुत ही बकवास पर्सन है, आई हैव टू से। आप लोग इतने केयरिंग हो, इतने लविंग हो। देखिए बैक ऑफ द डेक में हमारे पास आया है, मैं सोच ही रही थी कि आपकी लव लाइफ में कौन आएगा, क्या होगा फिर आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट, और लवर्स का कार्ड है बैक ऑफ द डेक। आपकी लाइफ में ट्रू लव आने वाला है, पाइल नंबर थ्री, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ट्रू लव आपकी लाइफ में आने वाला है, लव इज़ अबाउट टू एंटर योर लाइफ,
ट्रू लव होगा केमिस्ट्री. सो ट्रू लव इज़ अबाउट टू एंटर योर लाइफ, और जो ट्रू लव आएगा उसकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन आएगा. ये पर्सन जो है आप उसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं जानने के लिए कि ये पर्सन नए होंगे आपके सर्कल में ऑलरेडी होंगे, तो उस पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन आएगा फ्रेंड्स. तो वेरी कंग्रेचुलेशंस, ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं. ठीक है, चलिए एंड दे विल रिस्पेक्ट यू अ लॉट फ्रेंड्स. हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है. दे विल सी यू एज मैरिज मटीरियल. दे विल सी यू एज मैरिज मटीरियल. दे विल रिस्पेक्ट यू अ लॉट. ठीक है, तो चलिए ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग. मुझे लगा थोड़ी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए तो मैंने वो कार्ड्स इसलिए आपके लिए निकाले. तो फ्रेंड्स ये जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो अच्छी बात है, नहीं हुई है तो आप दूसरी पाइल देख सकते हो. एंड अगर आपको थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए ठीक है तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो फ्रेंड्स. ठीक है, तो जिन्होंने बहुत सारे ईमेल्स किए हैं मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपके ईमेल्स का. तो फ्रेंड्स मैं मोबाइल को बहुत मोबाइल से वीडियोस बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियोस को कंपाइल करके बनाती हूँ, क्योंकि अगर आपको डिस्टर्बेंस होती है तो यू कैन इग्नोर दैट. ठीक है, एंड एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि डोनेशंस आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल. अगर आपको मेरी कोई रीडिंग अच्छी लगती है तो यू कैन डोनेट टू माय चैनल. ओके, सो ये थी आज की रीडिंग. अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. गॉड ब्लेस यू. ओके, चलिए आई विल सी यू इन अनदर रीडिंग. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस.